हाय फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सब। आज मैं रक्षाबंधन लुक ट्राई करने वाली हूँ आप लोग के साथ, और बहुत ही सिंपल रखा है, नो तामझाम, बहुत ही सिंपल, क्योंकि सबको घर पे ही रहना है, कहीं बाहर तो जाना नहीं है। लेकिन फिर भी त्यौहार है तो थोड़ा सा तो तैयार होना बनता है, तो लेकिन एकदम ही सिंपल। से पहले प्राइमर लूँगी, स्विस ब्यूटी का ये हाइलाइटर वाला प्राइमर है, इसी को लूँगी थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा। और इसे अच्छे से अप्लाई कर देंगे। लगाने वाली हूँ तो मैं ये लैक्टोकैलामाइन लगाने वाली हूँ। छोटू सा बॉटल है, दाम भी इसका कुछ ज़्यादा नहीं है, 75 रुपीज़ का है। मेडिकल स्टोर से आज जाके लेके आई हूँ मैं आज के लुक के लिए। और ये टिंटेड है तो एक अच्छा सा आपको कवर देगा आपके फेस पे, और लाइट भी रहेगा। तो इसको लगाते हैं। इसको आप बिल्डअप भी कर सकते हैं, लेकिन हम, जैसे मैंने कहा कि आज हम लाइट मेकअप कर रहे हैं तो लाइट ही रखते हैं। हाथ से भी ब्लेंड कर सकते हैं, मैंने ब्रश से किया है। मुझे ज़्यादा कवरेज वाला आज मेकअप चाहिए ही नहीं, क्योंकि हल्का ही चाहिए। नेक्स्ट मैं कंसीलर ले रही हूँ, थोड़ा सा आई मेकअप करूँगी, इसलिए कंसील करना ज़रूरी है अंडर आई एंड ओवर द आईज। सेट कर लूंगी। कंसीलर लगा लिया है मैंने, अब कॉम्पैक्ट की मदद से मैं इसको सेट कर लूंगी। बस अपने आई एरिया को सेट कर लूंगी, क्योंकि आई शेडो के पैलेट से ही मैं आईब्रो को फिल कर लूंगी। नेक्स्ट हम आई मेकअप करेंगे, और आज मैं दो शेड का इस्तेमाल करूंगी, एक है पिंक और एक है शिमरी पिंक। और आपको याद है मैंने मेकअप स्टोर ब्यूटीफुल से, जो इंस्टाग्राम स्टोर है वहां से नियॉन ऑब्सेशन के पैलेट्स लिए थे, वही पैलेट यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें से मैं लूँगी ये ब्यूटीफुल सा पिंक कलर, और इसे ही मैं ट्रांजिशन शेड और अपर लिड पे अच्छे से प्लेस कर दूंगी। एक फ्लैट ब्रश लिया है और उसके मदद से पहले मैं प्लेस करूंगी और फिर ब्लेंड करूंगी। तो पैटिंग मोशन में आपको प्लेस करना है। देखिए मैंने ये आईज़ का कंप्लीट किया है, और यहाँ पर मैंने पिंक कलर का, यही पैलेट में से, नंबर 2 पैलेट में से ये पिंक कलर का शिमर लगाया है। और देखिए कितना प्यारा सा रोज़ गोल्ड कलर आया है आई शेडो का, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब मैं आपको ये आँख में करके बताती हूँ, और आप देखिए कितना प्यारा, बस ये इनर कॉर्नर तक और ये हाफ बे मिड तक लेके आना है आपको ये आई शेडो। मैंने लिक्विड हाइलाइटर लिया है और ब्राउ बोन को हाइलाइट कर लूंगी, फिंगर के मदद से ही कर लूंगी। तो ऊपर वाले आईलिड पे मैंने इनसाइड का लिक्विड आईलाइनर लगाया है, एंड एकदम पतला सा लाइन आपको बनाना है, मोटा नहीं करना है। मैं हमेशा मिडल ऑफ द आई से स्टार्ट करती हूँ,
देखिए, एंड को लगा लेना है, देखिए इस तरह से। अगेन सेम पैलेट से अंडर द आईज लगाना है, सो ब्रश के मदद से। तो पहले हम वो शिमरी शेड लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर लेके, एंड देन आई जस्ट प्लेस। देखिए, नेक्स्ट बस हम ब्लश लगाएंगे। ये मेरा टूटा हुआ ब्लश है, याद है, वो ही लगा रहे हैं। स्माइल प्लीज। और मैं मैट कलर का, पिंक कलर का मैट पिंक लिक्विड आई लिपस्टिक लगा रही हूँ। एक्सेस को निकाल दीजिए, और हमने तो लिप लाइनर लगाया ही है तो अच्छे से लग जाएगा। देखिए, मैं रेडी हो गई हूँ, और मैंने लो सा एक बन ही बना लिया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। दो बारिश गिर रही है लेकिन गर्मी का कोई अंत नहीं है। आप बताइए, आपको मेरा मेकअप लुक कैसा लगा रक्षाबंधन के लिए? है ना, सिंपल आई मेकअप कितना प्यारा लग रहा है। मुझे तो मेरा आई मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए कि मेरा आई मेकअप कैसा लग रहा है, मेरा गेटअप कैसा लग रहा है। मैं आपको फुल पिक्चर भी दिखाऊंगी, मतलब वीडियो लेके। I'll show you a full get-up with a पूरा dress कैसा लग रहा है, और फिर आप comment करके ज़रूर बताइएगा कि how was the look, did you like it, did you try anything? आप pink के जगह कोई भी eye shadow लेके try कर सकते हैं look को, और जो end result होता है वो हमेशा प्यारा ही निकलता है। So do give a big thumbs up to the video if you like. If you don't like, you can give a thumbs down also, and subscribe कीजिए हमारे channel को, and share it with your friends, family, relatives, and आज तक के लिए इतना ही, bye.